Very good morning, dear students of class 3rd. How are you all? Hope all are very good and also enjoying your online classes with me. Class, once again, I am here with a new video, and today in this video, I give you some exercise related to your previous chapter, antonyms and synonyms. So, all students, firstly, watch video properly. After that, complete your work with yourself in your English grammar notes. बच्चों आज आपको एंड सनोन फिर से एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है जितने भी एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं सभी बच्चे इसको खुद से सॉल्व करके कॉपी में राइट करके क्लास में प्रेजेंट करेंगे ओके तो डियर स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट मीनस क्या होता है उल्टा क्या होता है अपोजिट मीन उल्टा इट मीन्स डैट आपको वो सारे वर्ड्स लिखने हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दिए गए वर्ड्स को ध्यान से देखिए वन टू फिफ्टीन वन टू फिफ्टीन वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए उसके बाद उसके सामने आप अपोजिट वर्ड लिखेंगे आपको पहले ही इसी तरीके से काफ़ी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दिया गया है तो सभी बच्चे ध्यान से अपने आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपका फर्स्ट एक और है एंटोनिम्स इसको भी आपको सॉल्व करवाया गया है लेकिन सभी बच्चे फिर से इसको सॉल्व करिए बेटा दिए गए एंटोनिम्स वर्ड्स को देखिए इसको राइट करिए उसके बाद से सामने दिए गए बॉक्स में एंटोनिम्स को सामने से लिखेंगे ओके एंटोनिम्स मीन्स भी क्या होता है उल्टा होता है तो ये आपको बार बार पता है जैसे प्रिटी मीन्स क्या होता है तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो प्रिटी से मैच करता है ओके तो यहाँ पे हो गया अगली अगली हो गया इसका उल्टा ओके तो आप यहाँ ऐसे राइट कर देंगे डेस्ट रेट इसी तरीके से आपको राइट करना है अब आते हम सैनोनिम्स के पास बेटा सेनोनिम्स में भी यही करना है आपको सैनोनिम्स वर्ड्स लिखने हैं उसके बाद से उनसे मिलते जुलते मीनिंग्स लिखने हैं जैसे स्पीक मीन्स बोलना होता है तो टॉक मीन्स भी बोलना होता है बात करना होता है तो आप यहाँ पे टॉक लिख देंगे और भी सारे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग साथ साथ मैच कर रहे हैं इसको भी आप राइट करिए एंड एक और साइनोनिम्स है मैचिंग इसको भी आप मैच करिए डे स्टूडेंट इसको आपको सॉल्व भी करवा दिया गया है लेकिन सभी बच्चे इसको अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ग्रामर के लिए सभी बच्चे आज दिए गए सैनॉनिम्स एंटोनिम्स टॉनिम्स के एक्सरसाइज को अच्छे से राइट करेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर के नोट्स में और खुद से सॉल्व करेंगे पीछे से कोई हेल्प नहीं लेंगे ओके स्टूडेंट दिस इज यू योर वर्क All students enjoy your work and take care.